जी सर बताइए, आप क्या प्रॉब्लम है उसमें? सर आप मेरे स्क्रीन देख सकते हैं सर। आपका स्क्रीन हम बना सकते हैं, आपको प्रेजेंटेटर बना देते हैं। अब आप शो माई स्क्रीन कीजिए। बस शायद आपने मुझे भेज दिया। अच्छा, तो मेरे से प्रदीप जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ अभी अच्छा, इसमें आवाज ही है ना, पता नहीं पड़ता। अच्छा जी, ये अब आपका हो गया प्रदीप जी। शो बस माई मुझे तो नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है सर? हाँ आ गया या मजेदार इंटरफेस है ना सर? हाँ जी सर, बताइए अब कहाँ प्रॉब्लम है। सर अभी यहाँ पर देखिए सुरेश किरण पांडे और संदीप कुमार सिंह में हाँ, अगर मैं मिड टेक्स का फॉर्म यूज करता हूँ यहाँ पर हाँ, माइनस मार्क लगाना पड़ता है सर लास्ट में। हाँ अगर नेक्स्ट में कुमार प्लस वन लगाना पड़ रहा है मेरे को वही और फॉर्म खींचे तो मुझे ओनली 4 आ रहा है। मतलब अभी दिखा रहा हूँ देखिए अभी कुमार आ नहीं आ रहा। आर नहीं आ रहा, किरण पे वो आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा। अच्छा, एक बार मुझे कंट्रोल दीजिए। हाँ कैसे दो इसमें एक मिनट, रिक्वेस्ट फॉर कीबोर्ड माउस कंट्रोल मैंने कर दिया। आ गया हाँ, आ गया। अब यहाँ देख लेते हैं कुमार, ये रहा। फॉर्मूला इवेल्युएट करके देख लेते हैं कि क्या उसमें दिक्कत आ रही है। मिड में इसने लिया A17, इसको डाउन करूं। A17 लिया, इवेल्युएट किया मैंने, यहाँ से ये लिया, H17 लिया, H17 है 8, ये करेक्ट आ रहा है। अब 8 में एक जोड़ा आपने, 8 में एक नहीं जोड़ना, ओके स्पेस के बाद नहीं वो और इसमें स्टार्ट फ्रॉम 8 में एक मिड, ये क्या लिया है, 19 में से 14 गए, पांच और एक, चार, चार करेक्टर, 9 के बाद ये चार करेक्टर उठा रहा है। -1 अगर मैं इसमें से हटा दूं, क्योंकि 5 लेने चाहिए, और मैं ऊपर में करूं, इसमें -1 लगाया था क्या हमने इसमें? हाँ सर आपने जो बताया था आपने मैंने सुना उसमें मेरे ख्याल से लेंथ माइनस सेकंड स्पेस में -1 नहीं लगाया होगा शायद, देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ ले लेते हैं, स्टार्ट ऊपर माइनस करना। वन हाँ, -1 नहीं लेना पड़ेगा, एक मिनट देख लेता हूँ। ये आ गया सही, ये आ गया। ये पी आ रहा है सर उसके बाद कुमार पांडे पी भी आ जा रहा है नीचे। आपने वो डॉट के बाद स्पेस लगाया है इसमें? डॉट के बाद स्पेस नहीं लगा है ना, क्योंकि ये स्पेस के बेस पे काम कर रहा
स्पेस तो चाहिए होगा ना, स्पेस चाहिए होगा इधर। ओके अब जैसे यहाँ स्पेस देंगे ये सही ले लेगा। एक सेकेंड, ये चार ही क्यों ले रहा है? सेकेंड स्पेस, एक मिनट, सुजीत कुमार पांडे, इसमें कई स्पेस का पंगा। मैं अपने यहां करके दिखाता हूँ आपको इसको, ठीक क्योंकि कल हमने किया था, कल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी इसमें। ये इतनी दूर वाली स्क्रीन पर मुझे भी कम समझ आता है। है सर। ठीक है जी, सर सेकंड स्पेस नहीं फाइंड कर रहा हूँ। सेकंड स्पेस 11 फाइंड तो कर रहा है, फाइंड कर रहा है। सर तो आप अच्छा दोबारा से लगा के दिखा देता हूँ आपको मैं कि कहाँ प्रॉब्लम है इसमें। मैं अपने आप को वापस बनाता हूँ प्रेजेंटेटर। कहाँ गया मेरा, कहाँ गया ये रहा। अब आप मेरी स्क्रीन देखिए, मैं दोबारा से दिखाता हूँ इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पे। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का फर्क होता है सारा। बस हाँ यहाँ पे फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस और लेंथ। अब इसमें क्या करेंगे हम, स्पेस फाइंड के थ्रू स्पेस फाइंड करेंगे। फाइंड टेक्स्ट जो होगा हमारा, इसमें इन्वर्टेड कॉमास में स्पेस ले लिया, इस टेक्स्ट के अंदर इसने ये दे दिया, यहाँ पे ये दे दिया हमने। सेकंड स्पेस हमने फाइंड करना है इसमें, विद इन टेक्स्ट वही रहेगा, स्टार्ट नाम जो रहेगा इस ये ले लेगा। विद इन टेक्स्ट स्टार्ट नाम प्लस 1 1, ठीक ठीक है। ये अब लेंथ, अब देखते हैं। यहाँ पे हमने लगाया था लेफ्ट का फॉर्मूला, ये और कैरेक्टर्स इसमें ले लेंगे -1, पहले वाले में -1 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि वो 8 ले रहा है, स्पेस को इंक्लूडिंग 8 हो रहे हैं, ये स्पेस इंक्लूड करके बता रहा है। और यहाँ लेते हैं राइट का फॉर्मूला। राइट में क्या करना है हमें, इस टेक्स्ट में से ये लेन में से इस सेकंड स्पेस माइनस कर देना। ये भी सही आ गया। अब मिड का फॉर्मूला, टेक्स्ट ये रहा, स्टार्ट करना है हमें फर्स्ट स्पेस +1 और नंबर ऑफ करेक्टर्स लेने हैं नाइनटीन लेंथ माइनस सेकंड स्पेस, इसमें -1 था। यहाँ कहाँ पंगा, ये क्या चक्कर है, ये मेरे क्या है? इनमें ये यहाँ डॉट के बाद स्पेस नहीं फाइंड कर रहा, कर तो रहा लॉजिकली, तो ऐसा आना ही नहीं चाहिए था।
इसमें देखते हैं फॉर्मूला में। अगर इंडिविजुअली मैं प्लस टू लगाता हूँ तो बात कविता का नहीं ये ठीक है, 7 + 8 से स्टार्ट किया और ये 17 में से 14 गए, क्या कर रहे हैं हम, 17 में से 11 माइनस कर रहे हैं, तो हम करेंगे सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस, मेरे ख्याल से ये है। ठीक है जी, ओके okay. और थोड़ा सा का उसमें कंफ्यूजन हो गया लॉजिक पुट करने में। अब इसमें भी एक स्पेस फालतू आ रहा है, अब यहाँ -1 लगेगा यहाँ। ठीक है जी, अब ये एग्जैक्ट है। ओके सर, थैंक्स थैंक्स ठीक है जी, थोड़ा सा लॉजिक है, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, लेंथ में से अगर इसको माइनस कर देंगे सेकंड स्पेस तो इसके कैरेक्टर्स आएंगे ना, ये लास्ट वाले के, तो हमें क्या करना था, सेकंड स्पेस में से फर्स्ट स्पेस माइनस करना था, तो बीच के कैरेक्टर आएंगे। ओके ठीक है जी, और आगे क्या करना है इसके अंदर, अब देखिए एक कॉपी पेस्ट का एक और तरीका बताता हूँ। जैसे फाइंड का फंक्शन कई जगह यूज हुआ है, यहां से कॉपी कर लीजिए। अब ये यहां पे यूज हुआ है H3 की जगह, तो जहां पे भी H3 मिलता है आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल करते ही इस सारी जगह से रिप्लेस हो जाएगा। किसके साथ कर दिया मैंने, रिप्लेस करेंगे हम इस फंक्शन के आपने साथ। कुछ डाला ही नहीं उसमें। हाँ तो इसके साथ हाँ रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक साथ हमारा जहाँ C3 यूज हुआ होगा वहां चेंज हो गया। अब क्या था, सेकंड स्पेस, इसको हम कॉपी करके पहले तो सेकंड स्पेस को फ्री कर देंगे। यहाँ पे हम, हाँ ये भी फ्री हो गया, अपने आप ही फ्री हो गया ये, इसमें भी वो यूज हुआ था ना H6, तो वहां फॉर्मूला फिट हो गया। अब जहां पे भी I3 यूज हुआ है वहां ये कर देना है हमें रिप्लेस, I3 यहाँ पे पेस्ट किया, रिप्लेस ऑल, एक झटके में आपके जितने फंक्शन है वो सारे चेंज हो जाते हैं। ठीक है सर, इमीडिएट उसका रेफरेंसिंग खत्म हो गई। अब लेंथ जो यूज हुआ है वो यहाँ हुआ है राइट में J3 में, तो वो लेंथ का मैं दे देता हूँ, ये फ्री हो गया, तो अब इनकी जरूरत नहीं है, उसे ड्रैग करना। ठीक है जी, अब क्या करते हैं हम, थोड़ा सा इस फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए दो वैल्यू हुई खाली, अब इस केस में क्या हो रहा है, आप सेकंड स्पेस नहीं देख रहे हैं। ठीक है जी, अगर मैं यहां सेकंड हाँ, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, वही वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, पहले देखता हूँ कि मैंने पहला स्पेस तो फाइंड किया। ठीक है जी, हो गया, सेकंड स्पेस फाइंड करता हूँ तो क्या होता है, बस मुझे उसी को पकड़ना है, विद इन टेक्स्ट, और ये प्लस पर नहीं किया, +1, अब यहां एरर दे गया,
तो जब भी यहाँ पे ये एरर रिटर्न करे, यहाँ पे इस फॉर्मूला को डाल देना इफ एरर के अंदर, यहाँ पे भी ये एरर रिटर्न करे वहां पे क्या लगाएंगे हम? ब्लैंक। नहीं, राइट का फॉर्मूला अपना। अब राइट के फॉर्मूला में हमने क्या लगाया था? यहाँ लेंथ माइनस सेकेंड स्पेस, लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस लेगा, ठीक है जी। फर्स्ट स्पेस क्यों लेगा? कि है ही पहला ही स्पेस है ही वहां। तो इफ एरर राइट का फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये रहा टेक्स्ट और नंबर जो होगा वो लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस विद इन टेक्स्ट, ये ठीक है जी। अब ये हमारा, अब इस फॉर्मूले को अगर मैं ऊपर तक कॉपी कर दूं तो ये अपना इसमें काम करने लग जाएगा, पर अभी भी क्या आ रहा है? मैंने क्या किया ना, देखिए अगर दो होते तो मुझे क्या करना पड़ता? मान लीजिए दो नाम होते, खाली दो ही होते, तो इसके लिए क्या लॉजिक बन रहा था? मैं लेफ्ट का फंक्शन यूज करूं और जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं फाइंड कर लूं स्पेस से, ये पहला स्पेस फाइंड करूं, है जी। पहला स्पेस फाइंड किया -1, ठीक है जी, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड अगर मैं लाता तो सेकंड कैसे लाता? राइट, अभी इसमें भी मुझे फर्स्ट स्पेस ही है क्योंकि सेकंड स्पेस है ही नहीं, तो लेंथ माइनस अगर मैं स्पेस कर दूंगा तो मेरा ये आ जाएगा ना। ठीक है जी, लेंथ माइनस अब फर्स्ट स्पेस का फॉर्मूला वही वाला विद इन टेक्स्ट, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला मैंने इफ एरर की मदद से इसमें बिल्ट कर दिया। इफ एरर क्या करता है, जहां भी उसे एरर मिल जाती है तो आप उसमें नेक्स्ट ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है जी। मतलब जो चल रहा है चलेगा, जो चल रहा है चलेगा, अगर एरर नहीं है तो चलेगा वो, पर एरर आते ही जैसे ही मैं इसमें एंटर करता हूँ इफ एरर के, तो वैल्यू क्या है ये है। अगर इस वैल्यू में कहीं एरर आई, मतलब जो आपने मिड का फॉर्मूला लगाया था कहीं एरर आई, तो ये क्या कर देगा? मेरा ये जो राइट का फंक्शन मैंने लगाया है वो वैल्यू इफ एरर में दे दिया, वो रिटर्न कर देगा, ठीक है जी। अब जैसे आपने ये सेकेंड नाम लिया संदीप कुमार करके, सॉरी संदीप सिंह करके, तो हाँ, मुझे सिंह ये है लास्ट नेम में आएगा, बट मिडल नेम में ब्लैंक आएगा, वो कैसे होगा? मतलब ब्लैंक उन्होंने मिडल नेम मेंशन ही नहीं करा, तो अब ये लास्ट नेम में आना वो चाहिए। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर, फॉर्मूला से सब हाँ कुछ पॉसिबल है। अब क्या करूंगा मैं, पहले तो इसको पहले जैसा कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आपका ये एरर आ रहा है, तो मिडल नेम में अगर कोई हमें एरर आती है तो मैं तो इसको पहले तो ब्लैंक पे सेट कर देता हूँ, ठीक है जी, कि अगर कहीं एरर आए तो ये दिखाए ही ना। अब बात रही इसकी, ये राइट में आना चाहिए था, है राइट के अंदर फिर से ये आपका एफ एरर का फॉर्मूला लग जाएगा यही वाला, वैल्यू एफ एरर में आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने यहाँ लगाया था। राइट, ये रहा टेक्स्ट, लेंथ माइनस वो फर्स्ट स्पेस वाला, ठीक जी, यही चाह रहे हैं ना। पर अभी अभी एक और एक हाँ और एक और हाँ चीज है इसमें, मान लीजिए स्पेस ही नहीं है,
ये हमने कर दिया यहाँ, यहाँ कर दिया। अब हम करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक ही है, अब सारा एरर हो गया है जी। हाँ अब इसमें क्या करेंगे, फिर से इफ एरर लगा देंगे। अब इफ एरर में हमें क्या देना है, जब कोई स्पेस ही नहीं है, एरर आ रही है, आप इसे डायरेक्टली सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है जी। मतलब फर्स्ट नेम का फर्स्ट नेम रहेगा। अब आपको डील ओके करना है कि यहाँ पे एरर आ रही है, अब यहाँ एक और इफ एरर लगा दीजिए इसके ऊपर। अब ओ मतलब ई फेरर पे भी ई फेरर लगा सकते हैं। यहाँ, हाँ जी सर, नेस्टेड इफ एरर। तो अब यहाँ जो फंक्शन पड़े हैं सर, अब इनको आप डील कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आप इसमें चाहे संदीप लिखिए, संदीप कुमार लिखिए, या संदीप कुमार सिंह लिखिए, ये अपना काम करेगा। ठीक है सर, तो आप इसको मतलब किसी भी तरह से अपनी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इफ एरर में यहां पे जहां कुछ भी नहीं पड़ा है वहां जीरो आ रहा है। जीरो क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने वो रेफरेंस दिया है ना, इसलिए जीरो आ रहा है इधर। आप नहीं चाहते कि जीरो आए, तो अब यहां पे पहले तो एरर आ रही थी, अब जीरो आ रहा है। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए फॉर्मूले को, और इफ के अंदर डाल दीजिए। इफ अगर ये इक्वल टू जीरो, देन क्या करे, ब्लैंक दिखाए, अदरवाइज ये फॉर्मूला चलने दे। ठीक है जी, कर गया काम। अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा पूरा फुल प्रूफ इस वर्क के लिए, कहीं कोई एरर नहीं दिखाएगा। ठीक है सर, ये ठीक है। तो मैं आपके सामने ये फॉर्मूले रख देता हूं, क्योंकि मैंने ये बहुत जल्दी जल्दी लगाया। हालांकि ये देखने से, आप वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि इसमें हुआ समझ क्या है। में हाँ, थोड़ा थोड़ा मतलब रुक रुक के कि अरे यहाँ क्या किया, यहाँ क्या किया। अब जैसे आप लास्ट, ये फाइल मेल कर दीजिए ना प्लीज। अच्छा फाइल भी कर दूंगा, पर ये आपको फंक्शन देखने से जब भी नहीं समझ आएगा, ये आपको इसका वो देखना पड़ेगा, वे मैंने लॉजिक क्या लगाया है, इसमें लॉजिक क्या फिट किया है। इवैल्यूएट करके देख लेंगे। हाँ जी, तो ये आपके बड़े बड़े फंक्शन हो गए। तो जितने भी बड़े फंक्शन बनते हैं वो इसी मेथड से बनते हैं, वैल्यू को तोड़ के इधर से उधर, इधर से उधर। ठीक है जी, तो ये आपका ये टेक्स्ट का फॉर्मूला जो था ये पूरा हुआ। कल मैंने सारा खत्म करा दिया था, अब मैथ का फॉर्मूला, मैथ के फॉर्मूले पे बढ़े, वैसे तो वो होना चाहिए था। डेट टाइम का फॉर्मूला मैथ का ही करा देते हैं, मैथ के करा देते हैं जितने होते हैं, ठीक है। बाकी हम सोमवार को करेंगे। मैथ के फॉर्मूले में जो पहला है आता है हमारा एबीएस आता है। एबीएस क्या करता है, सपोज आपने कुछ नंबर दिए हैं और आपके पास नेगेटिव नंबर दिए हैं बीच बीच में, तो आप चाहते हैं कि कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो पॉजिटिव ही दिखाना चाहिए। तो एबीएस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट होता है इसका मतलब, ये नेगेटिव पॉजिटिव सबको पॉजिटिव कर देता
ठीक है जी। ओके सर। नेक्स्ट हमारे पास दो फंक्शन है, सीलिंग और फ्लोर। कैपिंग के बारे में जानते, जैसे पैकिंग करते हैं ना, किसी चीज की पैकिंग करते हैं, तो उसी तरह हमारा सीलिंग का फॉर्मूला होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर चूज कर लेता हूँ कोई भी, या डेज चूज कर लेता हूँ, ठीक है जी। अब एक में लगाता हूँ सीलिंग, अब मैं इनकी कैपिंग कर रहा हूँ हफ्ते में, वीक के हिसाब से। मतलब नंबर मेरा ये रहेगा, यहाँ से सिलेक्ट किया, सिग्निफिकेंस में वो नंबर आएगा जितने कैप करने हैं। जैसे मैं 1 से 7 तक एक साथ कैप करना चाहता हूँ। और फ्लोर में भी वही रहता है, नंबर एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस 7 दे दिया। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जब मैंने सीलिंग में 7 दिया, मतलब जब तक उसे 7 नहीं मिलता, उससे जो छोटी वैल्यू है वो सबको 7 दिखाएगा। फिर नेक्स्ट में जब जैसे एक बार 7 क्रॉस करता है वो, तो वो 7 पे ही आगे जंप मारेगा, 14। 7 प्लस कर दिया, अब ये जब तक 14 नहीं आता तब तक ये दिखाएगा। अब 14 से 1 प्लस हुआ तो ये डायरेक्ट 21 दिखाएगा। यानी ये जितनी भी सिग्निफिकेंस हम देते हैं उतने पे जंप कर जाता है, ठीक है जी। अब इसी फंक्शन की तरह, सीलिंग की तरह, फ्लोर भी हमारा काम करता है। फ्लोर में बस फर्क ये है कि सीलिंग जो है वो वैल्यू पूरी होने से पहले में दिखाता है, और फ्लोर वो वैल्यू पूरी होने के बाद दिखाता है। जैसे जब तक ये 14 पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक 14 नहीं दिखाएगा, 21 मतलब उसके डिविजिबल में आना चाहिए। अब इसका एग्जांपल अच्छा, एक, इसमें सॉर्टिंग मेथड इम्पोर्टेंट होगा क्या? नहीं इसको समझने के लिए कि ये जो बेसिकली, सीरीज आपने डाली है वो? हाँ सॉर्टिंग वाला होगा, सॉर्टेड ही लिस्ट होनी चाहिए बेसिकली। जब आप कैपिंग कर रहे हैं तो अच्छा मतलब जैसे मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, मैंने 7-7 के पैकेट बना दिए, ठीक है। पहला पैकेट ये हो गया, सेकंड पैकेट ये हो गया, थर्ड पैकेट ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 7 कर देते हैं। और बहुत ही सिंपल एग्जांपल में, जो सिग्निफिकेंस है मैंने उसी से डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। इसमें भी मैंने सेम चीज की, डिवाइड बाय 7, जो सिग्निफिकेंस है मैंने उसी से डिवाइड किया। अब मान लीजिए डेज के नाम डेज हैं। अब मैं इसमें ये कह रहा हूं कि कितने, कौन सा वीक चल रहा है, तो ये कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट वीक चल रहा है, यहाँ पे सेकंड वीक चल रहा है, या थर्ड वीक चल रहा है। और फ्लोर में हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितने वीक पूरे हो गए, तो यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ, यहाँ होते ही 1 वीक पूरा हो गया, आगे भी ऐसे ऐसे बढ़ा, 14 होते ही 2 वीक पूरे हो गए। ये कंप्लीटेड के लिए है और ये पर्टेनिंग के लिए है कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है जी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग है, धीरे धीरे समझ में आएगा ये। तो मतलब क्या होता है कि ये कैपिंग के लिए यूज होता है, कैपिंग रैपिंग इसी को कहते हैं। इसका यूज मोस्टली डेज के डेट, जिस मैंने वीक बताया ये इसी तरह से ही यूज होता है, इसका डेज के एग्जांपल के साथ यूज होगा ये, सीलिंग या फ्लोर। मैथमेटिकल है, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन पड़ती है कि मतलब जहां पे आपको ऐसी सीरीज गिननी पड़ती है कि इतने इतने हैं, कितने डब्बे पैक हो गए, एक डब्बे में 50 प्रोडक्ट हो गए तो कितने डब्बे हो गए, इस तरह से तो इनका थोड़ा सा वो किया जा सकता है।
ठीक है जी। अब जैसे आपका सात सात का पैकेट है, मतलब 50-50 प्रोडक्ट हो गए। अब आपको कोई बोले कि मतलब आपने वो एक एप्लीकेशन बना दी, सॉफ्टवेयर बना दिया, अब वहाँ वो डाल रहे हैं कि 50 का है तो वो डाल रहे हैं 99, ये ऑटोमेटिक 100 पे हो जाना चाहिए जैसे ही उस सीरीज के अंदर पड़ा हो, कि आपको 100 लेने ही पड़ेंगे क्योंकि हमारी पैकिंग 50-50 की है। ठीक है जी, ये कुछ इस हिसाब से है। हाँ सेकंड फोन। हेलो, हाँ जी, हाय, हाँ हाँ नहीं रुक जाओ अभी 10 मिनट, ठीक है। हाँ जी, तो सीलिंग और फ्लोर हमारे इसी तरह से यूज होते हैं बेसिकली। इसका यूज जो है डेज, सेकंड सैटरडे वगैरह ये सब काउंट कराने के लिए किया जाता है। जब हम इसमें और एग्जांपल करेंगे तो इसको समझेंगे। फिलहाल इसको देख लेते हैं कि उनके क्या क्या फंक्शन है। कॉम्बिन है, पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको बताता है कॉम्बिन का फंक्शन। मान लीजिए मैंने 5 ले लिया है और तीन तीन के कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कॉम्बिन नंबर एंड नंबर चूजन, 10 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इसको कैसे, कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है मेरा, आपके पास 5 लड़के हैं, आपने कहा कि मुझे तीन के मेरे कितने अलग अलग तरह के, कितने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बन सकते हैं। तो अब 2 तो बनेंगे नहीं, इन्होंने क्या किया, पहले 3 बंदे ले लिए, रमेश, सुरेश और महेश। अब उसमें क्या कर रहे हैं, ये जो बचे 2 बंदे हैं इनको उनसे रिप्लेस कर रहे हैं कि इसको रख के देखते हैं, तो वो एक ग्रुप काउंट हो गया। फिर दूसरे को रख के दे, दूसरे को एक को निकाल लिया, 2 को उसमें डाल दिया, तो ऐसे ऐसे इनके 10 ग्रुप बन जाते हैं, 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे 4 देते तो ये 5 ग्रुप बनते हैं, क्योंकि एक बंदा वही बार बार 5 बार रिप्लेस होता। जैसे मेरे पास मैंने ले लिए यहाँ 5 बंदे, अब मैंने इसमें बोला है ग्रुप बनाना है 4 का, अब ये बंदा मेरे पास फालतू है, तो कितने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनेंगे। मेरा एक ग्रुप तो मेरा ये बन गया, दूसरा ग्रुप बनेगा मेरा यहां से, इसको ले लिया मैंने, ये अलग तरह का ग्रुप बन गया। तीसरा ग्रुप बनेगा मेरा, अब इनमें से कोई एक बंदा अलग कर दूंगा, हरीश को हटा देते हैं इस बार, बचे हुए के ले लेंगे। यहाँ पे एक बन जाएगा मेरा महेश, हरीश, हरीश, ठीक है जी। तो ऐसे ही है मेरे पास 5 ग्रुप बन गए, 4 बने, 5वां भी इसी में बन जाएगा। तो ऐसे समझ पाना मुश्किल है थोड़ा, तो इनमें से ही मतलब टोटल 5 अलग अलग तरह के हमारे ग्रुप बनेंगे। पहले में 4 हो गए, ये ऐसा करते हैं।
ये ठीक है जी। एक बार मैंने इसको हटाया, दूसरी बार में मैंने इसको हटाया, तीसरे में मैंने इसको हटाया, चौथे में मैंने इसको हटाया, पांचवे में मैंने इसको हटाया, तो ये बन गए ग्रुप मेरे। ठीक है जी। तो ये कॉम्बिनेशन फंक्शन हमें पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन देता है कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्या करते हैं, हमारे पास है इवन का फॉर्मूला, ऑड का फॉर्मूला। ये ऐसा ही है जैसा नाम से दिख रहा है, इवन नंबर में कन्वर्ट कर देगा कोई भी नंबर को, और ये ऑड नंबर में कर देगा। ठीक है जी। फैक्टोरियल जानना है, मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल क्या है। फैक्ट है हमारे पास फॉर्मूला, नंबर ले लिया 120। 120 कैसे, 5 4 3 2 1, ये सब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रिवर्स में आते हुए सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ गया 120। दूसरा फंक्शन है हमारे पास फैक्ट डबल, ये क्या करेगा, एक छोड़ के मल्टीप्लाई करेगा। एक छोड़ के कैसे, मतलब यहाँ पे पहले 5 से करेगा, एक छोड़ के 3 से करेगा, फिर 1 से करेगा, एक एक छोड़ के। ये आ गया फैक्टोरियल और फैक्ट डबल। बाकी के फॉर्मूला हम लोग कल करेंगे, ठीक है सर। मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब नेक्स्ट सोमवार को, या फिर हम पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कर लेंगे जैसे भी होगा। ठीक है सर। आप बोले जो प्रोजेक्ट के बारे में, हाँ क्या चीज सर, हाँ प्रोजेक्ट कर लेंगे, ये बाद में कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। आप संदीप, हाँ जी सर, आज 9:30 का क्लास होगा क्या? हाँ 9:30 का सर है तो सही, क्या होगा उसमें, कुछ वही चल रहा, पीटीएल चल रहा है, पीएलटी? हाँ जी सर, वो तो पीएलटी आज खत्म होने वाला है आज। कल मैंने, हाँ जी, कल मैंने भेजा था एडिट के लिए, आप रिटर्न नहीं भेजे, कल रिवीजन क्लास हुआ सर। हाँ जी, हाँ जी हुआ था, कल मैंने आईडी के लिए भेजा था सर रिटर्न। अच्छा प्रदीप जी, एक्चुअली आपका ना स्काइप पे ना टाइम उस टाइम मुझे क्लियर नहीं हुआ, ये आपका कितना था, मैं मतलब ध्यान नहीं दे पाया इस पे। आज मैं आपको पक्का भेज दूंगा आईडी, ठीक है तो फिर हम उसमें स्टार्ट करें। बाकी ये अभय जी, अभी मेरे से अभय वसंत आप ही है सर? हेलो, हाँ जी सर, अभय जी बोले। बाकी मैं, हेलो हेलो अभय जी, आपकी मेल आईडी क्या है? चलिए फिर इसको बंद।